नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सलेंद। आज हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में जो वैकेंसी आई समूर 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड थ्री स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखन में अन्य पद में उस सभी के बारे में जो रूल बुक है उसके बारे में हम जानेंगे कि उसमें क्या फॉर्म भरने की डेट क्या है और उसकी परीक्षा फीस क्या है। एक एक करके सभी चीज़ों को जानते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस पोस्ट में क्या पोस्ट आई है ना, क्या किस में पर? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, यहाँ क्या है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई है ना। अब जो किस विभाग में आई है, समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखक लेखक व अन्य पदों पर सीधी भर्ती व सीधी भर्ती बैकलॉग हेड संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 है ना, परीक्षा 2023 है ना। अब इस परीक्षा को फॉर्म भरने की डेट क्या है? आवेदन देखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि कितना है, 6/3/2023 से है ना, और इसी के साथ आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है क्या है, 20/3/2023 से है ना, और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है 6/3/2023, आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 25/3/2023 है ना। अब इस परीक्षा का जो पेपर होगा, जो परीक्षा का पेपर होगा वो रविवार 2/7/2023 से प्रारंभ होगा, मतलब जुलाई में प्रारंभ ये पेपर होगा है ना। और इसी के साथ अब इसका जो परीक्षा शुल्क है, परीक्षा शुल्क जो है सीधी भर्ती और संविदा पदों है, मतलब कि सीधी भर्ती रेगुलर और संविदा भर्ती दोनों पे हुई है ना, तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो मतलब अनरिजर्व कैटेगरी है ना, तो उनके लिए ₹500 है, और जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश मूल निवासियों के लिए ₹250 है। कितना है? ₹250 है। और इसी के साथ सीधी सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है ना, सीधी भर्ती बैकलॉग है, कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क कितना होगा, ₹50 देय होगा। कितना होगा? ₹50 देय होगा है ना। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क ₹30 होगा। मतलब कि ये समझिए कि जो बंदा आ, कोई जो बच्चे हैं वो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करने तक आपको शर्ट पर दिया है, जो पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको ₹20 लगेगा है ना। अब इसके बाद जो पेपर होगा, डेट तो पहले से पता चल गई, 2/7/2023 से प्रारंभ होगा, और दो पाली में पेपर होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली है ना। अब इसके साथ प्रथम पाली 7 से 8 बजे पेपर, 7 से 8 तक होगा, और दूसरा 1 से 2 बजे तक होगा, मतलब 1 घंटे का पेपर होगा है ना। अब महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक, सॉरी 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 मैं गलत यहाँ चीज पढ़ दिया। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे के बीच होगा जो प्रथम पाली के हैं, और जो द्वितीय पाली के हैं उनको 1 से 2 बजे के बीच होगा है ना। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय जो होगा 10 मिनट होगा, जो 8:50 से 9 बजे तक, और जो 2 बजे वाले हैं 3 बजे से इनका पेपर होगा वो 2:50 से 3 बजे तक क्या होगा निर्देश पढ़ सकते हैं। अब उत्तर अंकित करने का समय, मतलब कि आपका मेन पेपर 9 से 11 मतलब 2 घंटे का पेपर होगा है ना, प्रथम पाली का, और सेकंड पाली का 3 से 5 तक होगा, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा है ना। अब इसके बाद जो टिप्पणी है उसके एक एक करके पढ़ लेते हैं। क्या अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है? बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, मतलब आपको आधार मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा है ना। अगर आपके पास पहचान पत्र नहीं तो आपको परीक्षा नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका से वंचित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड के छाया पत्र, आधार नंबर, आधार VID के
की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए, है ना। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा के में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, है ना। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल रखकर रखें, जिसकी समय जिम्मेदारी आपकी होगी, है ना। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बाल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट में डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र लाने अनिवार्य होगा। मतलब आपके पास ब्लैक ब्लैक पेन होना चाहिए बाल पॉइंट का, और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्त तक परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं है। जब तक पेपर समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक आप परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्त प्रक्रिया के द्वारा संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अब देखो, अगर जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या भरा फॉर्म भरा है, अगर उसमें कोई गलती हो गई ना, तो जो परीक्षा मंडल है ना, वो उसमें कोई सुधार नहीं करेगा, वो मतलब वो कोई दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो भी जिस विभाग में आप सिलेक्ट हुए हैं ना, वहाँ गलती अगर वो पा गए ना, तब फिर वो लोग दिक्कत करते हैं, मेन प्रॉब्लम यहाँ होती है ना, यही कहना चाह रहा है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा से उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णतः प्रभावित प्रोविजनल होगी, है ना। उपयुक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मतभेद राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। मतलब कि रोजगार कार्य पंजीयन बना होना चाहिए, है ना। मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसा बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के कार्यापलिक पदों के लिए अपने आवेदक पर समस्त आवश्यक प्रमाण मंडल संलग्न करते हेतु हार्ड कॉपी से निर्धारित नियम पुस्तिका के प्रारूप दिन में आवेदन पत्र भरने के अन्य तक मंडल को भेजने हेतु पता नहीं फालतू की विभाग के पद कार्यापलिक होने के लिए भर्ती हेतु सब के लिए आगे अब चाहिए आगे चलते हैं, है ना। अब देखिए ये तो विषय सूची का देख कहां से क्या होगा, है ना। अब देखिए, अब इसका जो नियम पट्टिका जो उसका पढ़ ले देते हैं, इसको पढ़ने को जरूरत नहीं है। सेवा समूह समय प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल, है ना। अब जो आप लोगों का पद जो होगा, है ना, सेवा समूह, ये क्या होगा, समूह ग्रुप फोर का पेपर होगा, है ना। समूह फोर के अंतर्गत सहायक ग्रेड थ्री, है ना, कौन सहायक ग्रेड थ्री और क्या स्टोनोटाइपिस्ट सॉरी और शीघ्र लेखक व अन्य पदों की भर्ती, सीधी भर्ती व सीधी भर्ती बैगला है संयुक्त परीक्षा 2023, और ये तृतीय श्रेणी के पेपर होगा, कितना तृतीय श्रेणी का पेपर होगा, है ना। परीक्षा का आयोजन, है ना, समूह फोर के लिए परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक समय पद के लिए आयोजित की जाएगी, है ना। अब देखिए, अब इसमें जो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए, है ना, इसका जो मेन क्या क्या होगा, है ना, समूह फोर होगा, टोटल एक पेपर होगा, वो पेपर टोटल 100 अंक का होगा। उस 100 अंक में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि, मतलब कि रीजनिंग आपके पास मतलब इस पेपर में आएगी, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट आएगी, टोटल 100 अंक का ये पेपर होगा, है ना। अब आ चलते हैं इसके आगे, सहायक वर्ग तीन में आप जो पद जो होंगे स्टोनोटाइपिस्ट, अश्वलिपिक, शीघ्र लेखक या स्टोनोग्राफर,
डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर जैसे पदों में के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगी, अर्थात मतलब कि आपको पास मिनिमम क्या पढ़ाई होनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने हायर सेकेंडरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मतलब कि आप लोग 12वीं की परीक्षा पास किए हो, है ना। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के क्रमांक किए, तो चलो ठीक है ना। निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, मतलब कि अगर आप लोगों ने 12वीं पास किया है, 12वीं पास करने के बाद आप लोगों के पास कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। क्या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से डिप्लोमा, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, DOEACC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स, शासकीय आईटीआई द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा प्रमाण पत्र, है ना। राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा मंडल CNCVT नई दिल्ली द्वारा, राज्य व्यावसायिक परीक्षा प्रशिक्षण परिषद SCVT मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मतलब आपके पास आईटीआई से कोपा की डिग्री होनी चाहिए, है ना। ये भी मान्य होगी। उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी। उपयुक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी मतलब CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अगर आप किसी ने बीटेक किया है इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और आईटी में, MCA, BCA, MSc, IT और CSE, MSc जिस किसी ने किया है ना, BSc किसे IT और CSE, MTech, MCA, ME इत्यादि, ये लोग सभी लोग क्या होंगे, मान्य होंगे, है ना। AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। BSc, BCom या अन्य उपाधियों जिनमें केवल कंप्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगा, मतलब कि अगर आपने BSc भी काम किया है और कंप्यूटर के रूप में केवल एक विषय सम्मिलित है, वो चीज मान्य नहीं होगी, वो लोग काम नहीं भर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा, कंप्यूटर प्रोफिशियंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, CPCT जिसको बोलते हैं, है ना, उसमें हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट एवं अथवा विभाग की मांग अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण हो, मतलब कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, है ना। CPCT पास होना चाहिए 20 मिनट 20 शब्द प्रति मिनट, है ना, हिंदी, और 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी इंग्लिश, है ना। विभिन्न विभागों के ऐसे पद जिनके भर्ती नियमों के में अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, बल्कि कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे पदों के लिए कंप्यूटर CPCT परीक्षा के माध्यम से स्कोर कार्ड आधारित करना पर्याप्त होगा। मतलब ये समझिए कि कुछ ऐसे विभाग हैं जो कंप्यूटर के डिप्लोमा नहीं मांगते हैं, लेकिन उनके लिए आपको CPCT का होना जरूरी, CPCT का स्कोर होना जरूरी है ना। ऐसे पदों के लिए CPCT स्कोर के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कंप्यूटर IT से संबंधित सर्टिफिकेट डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। देखिए, आप जिन विभागों में पदों के लिए भर्ती नियम नहीं है, संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भर्ती नियमों में उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, उन पर भी युक्त व्यवस्था ही लागू होगी, है ना। विभिन्न विभागों के में डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर, सहायक अभ्यर्थी, शीघ्र लेखक, स्टेनोटाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पद जिनके लिए भर्ती नियमों में कंप्यूटर डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और अनिवार्य योग्यता रखी गई है, इनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसका उल्लेख कर, ये चलो ठीक है ना। मतलब आप ये समझिए कि आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटर की डिप्लोमा होना चाहिए या फिर CPCT का स्कोर होना चाहिए, है ना। उसमें CPCT लगेगा जहां डिप्लोमा नहीं मांगा जिस विभाग में, है ना। विभागों द्वारा IT दक्षता के परीक्षण के लिए पृथक से परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी, क्योंकि यह पर स्कोर कार्ड इस बात का प्रमाण होगा कि अभ्यर्थी IT की वह न्यूनतम दक्षता रखता है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मतलब कि इसके बाद भी आप लोगों को अगर आप लोगों ने सीपीसीटी या डिप्लोमा किया है तो इसके बाद आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। किसकी? सीपीसीटी, उसका क्या नाम है, आईटी का, है ना। ये चीजें हैं। अन्य पदों हेतु अभ्यर्थियों ने हाल सेकंड परीक्षा 10वीं 12वीं उत्तीर्ण की और संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक आहार था, है ना। अब आइए देखते हैं इसकी आयु सीमा, है ना। आयु सीमा जो है उन समस्त पदों के जिनके लिए बोर्ड संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 18 वर्ष, और अधिकतम क्या होनी चाहिए? 40 साल। 18 और 40 साल आपकी होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग नियमों, पिछड़े वर्गों विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों के स्वायत्त निकायों, होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 साल, कितना? 45 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समय से जाएंगे। आयु सीमा की गणना, इसमें आयु सीमा की गणना 1 जनवरी अर्थात 1 जनवरी 2030 से होगी, है इसमें। और मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से, है ना। और देखिए अब छूट जो मिलेगी, खुली प्रतियोगिता में सीधे भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 30 साल, है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वर्ग शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःसृजन महिलाओं आदि के लिए कितना? 18 से 45 साल की एज होनी चाहिए, है ना, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद इतना तो ज्यादा कुछ नहीं है समझने लायक, है ना। और आवेदन जो करेंगे, आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र ही मान्य होगा, ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब कि ऑफलाइन आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। हाँ, अब इस जो अभ्यर्थी पास होगा उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी, है ना। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग शैक्षणिक तकनीक एवं व्यावसायिक अर्हताओं के उपाधि पदों पर प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेगा, है ना। मतलब कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग शैक्षणिक तकनीक और व्यावसायिक अर्हताओं के आधार पर आपका सत्यापन होगा, है ना। अब इसमें आरक्षण जो होगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और आर्थिक कमजोर 10%, है ना। और जो लोग संविदा कर्मी में काम करें और जो रेगुलर होना चाहते हैं उनके लिए अलग से नियम है ना। प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20% पद संविदा एवं नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, मतलब कि हर विभाग में 20% पद किसके लिए रहेंगे? आपके संविदा कर्मचारियों के लिए, है ना। सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उस श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पद नियुक्त रहा हो, मतलब कि अगर आप जिस पद में है उस पद में आप पिछले 5 साल से काम कर रहे होंगे संविदा में, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना।
आप लोगों को यात्रा भत्ता भी मिलेगा, है ना, अगर आप लोगों करेंगे तो। और इसके बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण मंडल के मापदंडों और अभ्यर्थियों की संख्या के साथ किया जाएगा। प्राथमिक स्वरूप से परीक्षा देने सोचती है, चलो ठीक है। एक बार आप लोग इस मतलब कि नोटिफिकेशन को जब आप फॉर्म भरने जाएं तब एक बार पूरे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोग क्या करिएगा, आप फॉर्म भरिएगा। अब आज देखते हैं अध्याय दो में कि किस पद में कितनी वैकेंसी आई है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीधी भर्ती बेवला एवं संविदा भर्ती के रिक्त पदों का विवरण, है ना। अब इसमें क्या है, भर्ती के प्रकार है, इधर साइड भर्ती के प्रकार है ये, और अनारक्षित, AWS, अजा, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ों कुल, है ना। अब देखिए सीधी भर्ती 601 अनारक्षित है, 242 EWS है, और अनुसूचित जात 289 है, और अनुसूचित जनजात 527 है, और अन्य पिछड़े वर्ग की 547 है। टोटल मिलाकर 2206 है, कितनी है, 2206। और इसी तरीके से सीधी भर्ती बैकलॉग अनारक्षित कितनी है, 10 है, और EWS 0 है, और अनुसूचित जात 102 है, और अनुसूचित जनजात 368 है, और अन्य पिछड़े वर्ग कितने हैं, 39 है। टोटल कितनी है, 519 है ना। और संविदा भर्ती कितनी है, संविदा भर्ती है अनारक्षित है जो कितनी, 73 है, और EWS कितनी है, 17 है, और अनुसूचित जात 31 है, और अनुसूचित जनजात 41 है, अन्य पिछड़े वर्ग कितना है, 57। टोटल मिलाकर 219 है। संविदा भर्ती बैकलॉग कितनी है, EWS अनारक्षित 0 है, EWS 0 है, और अनुसूचित जात 37 है, अनुसूचित जनजात 42 है, और अन्य पिछड़े वर्ग 24 है। कुल मिला के 103 है ना। अब देखिए अनारक्षित की टोटल पोस्ट 684 है, कितना, 684, और EWS की कितनी है, 259 है ना, और अनुसूचित जात की कितनी है, 459 है, और अनुसूचित जनजात की कितनी है, 978, सबसे ज्यादा है ना, और अन्य पिछड़े वर्ग कितनी है, 667 है ना। कुल मिलाकर 3047 पोस्टें आई हुई हैं, ना 3047 पोस्टें हैं, है ना। अब इसी के साथ हम देखते हैं क्या पदों का एक जाय विवरण, है ना, किस पद का विवरण है ना। निजी, देखिए फर्स्ट है निजी सहायक शीघ्र लेखक स्टोनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी स्टोनो टाइपिस्ट असुलिपि के लिए टोटल कितनी पोस्टें हैं, 649 पोस्टें हैं, है ना। सहायक वर्ग ग्रेड 3, सहायक कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री, IT, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, कोडिंग, रिकॉर्ड क्लर्क, म्यूजियम कीपर, म्यूजियनियम सहायक व अन्य समकक्ष पद के लिए कितनी है, टोटल 1982 पद है, कितना, 1982 पद है। आउटरीच कार्यकर्ता के लिए कितने हैं, टोटल 75 पोस्ट हैं, कितना है, टोटल 75 पोस्ट हैं। उद्यान पर्यवेक्षक के लिए कितने हैं, टोटल कितने हैं, 7 पोस्ट हैं, है ना, जिसको माली बोलते हैं क्या। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक कितनी है, टोटल 25 पोस्ट हैं, कितनी है, टोटल 25 पोस्ट हैं, है ना। एनिमल फीडर एनिमल केयर टेकर के लिए कितनी है, टोटल 33 है ना। और कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग अधिकारी तकनीक क्या है, उसके लिए कितने हैं, टोटल 43 पोस्टें हैं, है ना। अब इसके बाद प्रयोगशाला सहायक तकनीशियन कंपाउंडर हीरा परखी तकनीक सहायक मेट्रोन प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला परिचालक मोल्डर, ये किसकी, इसकी टोटल कितनी है, 71 पोस्टें हैं, है ना। ग्रंथपाल निम्न श्रेणी वेतन कितनी है, 73 पोस्टें हैं, है ना। और इसी के साथ प्लम्बर की कितनी है, प्लम्बर की 1 पोस्ट है, कितनी है, प्लम्बर की 1 पोस्ट है। सहायक फोटो अधिकारी फोटो कला शिक्षक छाया चित्रकार सिनेमा ऑपरेटर कितनी है, 14 पोस्ट है ना। और बागवानी निदेशक कितनी है, 1 है, और लेखपाल की कितनी है, लेखपाल की कितनी है, 16 16 है। और इसी के साथ सहायक राजस्व निरीक्षक कितनी है, 81 है, और शिक्षक सहायक शिक्षक की कितनी है, 5, टोटल 6 है, 6। कुल मिला के
3,047 पोस्टें आई हुई हैं। कितनी? 3,047 पोस्टें, जिसमें से सीधी भर्ती की 2,206 है और सीधी बैकलॉग की 519 है और संविदा भर्ती की 219 है। कितनी? 219 है और सीधी भर्ती संविदा भर्ती बैकलॉग कितनी है? 103 है ना। टोटल मिला के इतनी पोस्टें आई हुई है ना। अब आप लोग इसको एक बार फॉर्म भर लीजिएगा कि किस पोस्ट में विभाग वार पदों का विवरण है ना। ये मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए किस विभाग में कितनी आई है। मैं अब इसको ज्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ ना, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो जाएगा तो भी आप लोग तो बोर भी हो जाएंगे, मैं बता देता थक भी जाऊंगा है ना। एक बार आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बताऊंगा समझ में नहीं, लेकिन मैं इसका एक बार दोबारा वीडियो बना दूंगा कि इसमें कितनी पोस्टें आई हैं है ना। जिले बार है हर चीज है ना, किस जिले में कितनी है। अब विभाग वार रिक्त पदों में आरक्षण जो है ना, ईडब्ल्यूएस कितनी है, किसकी कितनी है, ये सब चीजें हैं है ना। तो जहाँ तक कहा जाए मोटा मोटा इस चीज का नोटिफिकेशन समाप्त हो गया है ना। ये तो विभाग, इसका मैं एक बार बता दूंगा आपको क्या क्या है क्या नहीं है ना, किसकी क्या बता, ये दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ये तो थोड़ा शॉर्टकट में डिटेल है ना। तो कहा जाए तो मोटा मोटा आपका इस चीज का नोटिफिकेशन समाप्त हो गया है ना। और उसका मैं वैकेंसी डिटेल वैकेंसी में आप लोग बता दोगे भी तो चलो ठीक है। ये डेट ऑफ के बारे में था, अब मैं किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें आई हैं एक ही करके मैं उस चीज को बता दूंगा है ना। तो मैं कहा जाए तो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो ये वीडियो अपने जो लोग आपके बीच में फॉर्म भरने वाले होंगे जिनकी एलिजिबिलिटी है ये चीज़ है, तो उस चीज़ का आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, मतलब उनको भेज सकते हैं
है ना। तो मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना। ये चलो ठीक है, ये तो आवेदन पत्र भरने की डेट है ना, 6/3/2023 से 25/3/2023 तक है ये वही जो इसमें। हाँ एक चीज है, जो परीक्षा शहर जो होगा ये कहाँ कहाँ है, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सपना, सीधी, उज्जैन, है ना। इस जगह इतना जगह आप इसका फॉर्म मतलब पेपर दे सकते हैं। अब इसमें का जो पाठ्यक्रम होगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, कंप्यूटर ज्ञान, अभिरुचि होगा, 100 अंक का पेपर होगा, है ना। समझ में आ गई बात को। और ये आपका वो है, आप यहाँ अपनी फोटो चिपका सकते हैं और यहाँ आप साइन कर सकते हैं। आप इसको लिख के घोषणा पत्र आपको, हाँ भाई मैं हम चीज सही दे रहे हैं हर चीज, प्रिंट करके आपको लगाना है। तो मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।